हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पे। दोस्तों मैं हूँ विपिन यादव और आज हम बात करने वाले हैं LCM SCF के पहले क्लास में। ठीक है, तो LCM SCF का जो पहला क्लास है आज का, तो पहला क्लास होने का ये मतलब होता है कि भाई हम एकदम आपको बेसिक से पढ़ेंगे। LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक और HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो लघुत्तम लघुत्तम है ना और महत्तम, बचपन में ही पढ़े हैं लघुत्तम और महत्तम। और इसको पूरा बोले तो लघुत्तम समापवर्तक और HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक। दोस्तों LCM और HCF, LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोएस्ट, लोएस्ट C से कॉमन, कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए, LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों HCF का एक और नाम है, HCF का एक और नाम है GCD, मतलब क्या, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अच्छा जानते हैं GCD, या इसका एक और नाम है HCM, मतलब हाईएस्ट कॉमन मेजर, हाईएस्ट कॉमन मेजर। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। ये तो मैंने फुल फॉर्म सबके लिख दिए हैं, आप एक बार इसे नोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। आइए, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों LCM मतलब क्या, लॉस ऑफ लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना, इसका परिभाषा नोट कर लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए LCM होगा। या लिख दीजिएगा, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से, वह छोटी से छोटी, यहाँ लिख दे तो वह छोटी से छोटी संख्या जो जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः कट जाए, है ना, वो क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, HCF, HCF मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में इसको महसा कहते हैं, महसा यानी महत्तम समापवर्तक। इसके लिए आप लिख सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे वो क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। दोस्तों दोनों में दो बातें देखो, यहां कट जाए है ना, कट जाए, और ये देखो पूर्णतः काट दे, दोनों अलग चीज है ना, कट जाना और काट देना। तो जब भी काटने वाला कोई संख्या ढूंढना है, यानी भाग जिससे आप दे रहे हैं वो हमेशा मसा होगा, और जिसमें भाग लग रहा है जो कट रहा है सबसे वो हमेशा लसा होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कटने की बात हो, जो कट रहा है वो लसा है और जो काट रहा है सबको वो मसा है। ठीक है, अब देखो, तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, अगर मुझे 15 और 6 का
मौसा बनाना है तो बचपन वाला क्या मेथड था? वो मेथड आज भी कहीं कहीं यूज होगा, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ के चलेंगे। तो बड़ी संख्या 15, इसमें हम 6 से भाग लगाते थे, है ना? तो भाग लगाते थे तो कितना, 6 दूना 12, शेष कितना है, 5 में से 2 गया 3। अब नहीं, अब इधर क्या 6 उतार देते, अब 3 दूना 6 पूरा कट गया, 3 से कटा, नहीं कटता अंतिम में 1 से कटता, तो जिससे कटा वो मसा हो गया 3, है ना? अब मान लो कि 15 6 और कुछ और भी रहता, 12 ही रहता, तब जो मसा आया 3, 3 से हम 12 को भाग देते, अगर 12 भी कट जाता तो मसा 3 हो जाता उन सब का। ऐसे भी इस बार HCF 3 ही हुआ। HCF क्या हुआ, 3, ये बचपन में आपने पढ़ा है इसको। अगर इसी का आपको लसा कहा जाए कि 15 6 12 का लसा बताइए, क्या बताना है, लसा, लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, मतलब LCM। तो आप क्या करते थे, 15 6 और 12 को इस तरह से तोड़ते थे फैक्टर में, 2 से भाग लगेगा तो लगाते थे, ये 15 नहीं लगेगा, 2 3 6 लगेगा, 2 6 12 लगेगा। कोई 2 संख्या में भाग लगता है तो हम लगा देते हैं उस संख्या से, जैसे अब 2 से नहीं लगेगा 2 संख्या में, 3 से लग जाएगा, 3 5 15, 3 1 3 और 3 2 6। अब ऐसा कोई 2 संख्या नहीं है जिसमें आप भाग लगा सकते हो, तो जैसे 1 से भाग लगाने से तो कोई फायदा है नहीं, उतना ही आ जाएगा, तब इसको गुना करते हैं, 2 3 6 6 5 30 और 30 2 60। 1 को नहीं लिए क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो भी उतना ही आएगा, है ना? ये 2 3 6 6 5 30 30 2 कितना हो गया, 60। 15 6 12 का LCM 60 हुआ। दोस्तों अब बनाने का क्या तरीका है, सुनो, अब जो आपको मिलेगा तो अब कैसे बनाओगे, ये तरीका तो हमने बच्चा में पढ़ा था, इसका LCM अगर निकालना है तो इनमें पकड़िए कि सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है। LCM, चूंकि जब भी LCM बनाओगे तो LCM ज्यादा आता है और HCF कम आता है, इसका देखे तो HCF 3 आ गया था और LCM कितना आ गया है, 12। LCM ज्यादा आता है तो बड़ा वाला संख्या आप पकड़ लीजिए, 15 6 और 12 में बड़ी संख्या आपका 15 है, और इस 15 को बाकी सब संख्या से कटवाइए, काट देगा नहीं काटेगा, नहीं काटेगा ना, अगर 15 इन सब से कट जाता तो LCM 15 हो जाता, अगर 15 इन सब से कट जाता तो LCM 15 हो जाता, और नहीं कट रहा है तब 15 का ना टेबल देखिए कि कौन ऐसा होगा जिसे 15 के पहाड़ा में कौन संख्या आएगा 15 के टेबल में जो कट जाएगा, तो 15 तो नहीं, 15 दूना 30, 30 6 से कटेगा, 12 से नहीं, 15 दूना 30 नहीं, 15 3 45, 45 नहीं कटेगा इन सबसे, 15 4 60। अब आप 60 पर जाएंगे तो देखेंगे 60 6 12 और 15 सबसे कट जाएगा, इसीलिए LCM 60 हो गया। क्लियर है? चलो देखो, अगर आपको 16 24, है ना, 48 ऐसे दिया हुआ है और आपको इनका LCM बताना हो तो सिंपल है दोस्तों, इसमें देख लो कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पकड़िए, 48 है सबसे बड़ी संख्या, इसमें कौन है, 48 है, 48 क्या कट रहा है 16 24 से, कहिएगा हाँ सर, 16 3 48 24 2 48, तो 48 हो गया इसका LCM, कोई दिक्कत नहीं, 48 LCM हो गया। अगर इसी में हम लिख दे 5 20 24 30, ठीक है, इनका LCM क्या होगा, तो इनका LCM अगर आपको बताना है तो LCM कैसे बताओगे, तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ो, आप देखो कि 5 20 24 और 30 में सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है, आपको पता चलेगा कि 30 है, तो क्या 30 को 5 काट देगा, काट देगा, 20 ना काटेगा, 24 ना काटेगा, सब संख्या काटता तभी LCM 30 होता दोस्तों, नहीं कट रहा है तो 30 का पहाड़ा पढ़िए, 30 दूना 60, 24 से नहीं कटेगा, 30 3 90 ना कटेगा, 24 से 20 से, 30 चौका 120, हाँ 30 चौका 120, 120 जो है ना 30 से भी कट जाएगा, 24 5 120 हो जाएगा, 20 6 20 से और 5 से भी 24 बार में कट जाएगा, यानी ये क्लियर हो गया कि LCM 120 होगा। दोस्तों अगर इसी सवाल में आपको HCF निकालना होता
क्या निकालना होता, आपको HCF निकालना होता। तो इसी का HCF कैसे निकालते, तो HCF ऐसे निकालते, इसमें पकड़ते सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला है पांच, पांच अगर सबको काट दिया तो HCF पांच होगा। याद रखना, अगर म सा बनाओगे तो छोटा मान आता है और ल सा बनाओगे तो बड़ा मान आता है, आता है ना, ल सा बड़ा मान आता है, इसलिए याद रखना कि LCM में हमको बड़का संख्या पकड़ना है और HCF छोटा मान आता है, इसलिए याद रखना है कि HCF में हमें छोटा वाला संख्या पकड़ना है दोस्तों। अब बताइए HCF निकालना है सबसे छोटा वाला संख्या पांच, पांच क्या इन सब संख्या को काट देगा, 20 को काटेगा, 30 को काटेगा, 24 को नहीं काटेगा, ना ना काटेगा। तब क्या करना है, पांच का फैक्टर लाना है, तो पांच गुना एक, अब पांच तो काटा नहीं, एक ही काटेगा, इसका HCF एक हो गया दोस्तों, इसका HCF कितना हो गया, एक हो गया, बहुत आसान है ना। आइए देखिए तो जरा, अब देखिए अगर मान लीजिए कि 15 है, 18 है, 24 है, 27 है और हम कह दें कि इसका HCF जरा बता दो क्या होगा, 15, 18, 24, 27 का, तो सुनो जरा, देखो इधर, आप सबसे पहले HCF जब निकालना हो तो छोटा वाला संख्या पकड़ेंगे, छोटा वाला संख्या कौन है इसमें, 15, और 15 क्या बाकी सभी संख्या को काट देगा, 15 क्या बाकी सभी संख्या को काट देगा, जरा देखिए, कहिएगा ना सर बिल्कुल नहीं काटेगा, तब 15 का पहारा मतलब 15 का गुणनखंड तोड़िए, 3 × 5 = 15 लिख सकते हैं, अरे एक तो लास्ट उपाय है। अब देखिए बड़ा वाला से कटवा के देखिए, क्या पांच सबको काटेगा, ना, तीन, तीन इसको 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 इसको, तीन सबको काट देगा, इसीलिए HCF तीन हो गया दोस्तों। हाँ अब मान लो कि तीन भी काटता, पांच भी काटता, दोनों काटता तो कौन होता, तो तीना पांच दोनों जब सबके काटता तो 15 हो जाता, इन्हें कहना कि पांच होता, ठीक। अब मान लीजिए 8 है, 16 है, 24 है और 18 है, चलो 20 और इसका HCF क्या करिएगा, 8, 16, 24, 20 का सबसे छोटा वाला 8, 8 सबको काटेगा, नहीं, तो 4 × 8 करेंगे, है ना। अब देखिए तो 4 × 8 में 4 सबको काट देगा, काट देगा, आ 2 भी काट देगा, लेकिन 2 नहीं होगा, बड़ी से बड़ी संख्या, परिभाषा क्या है HCF में, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे HCF कहलाएगा, HCF 4 होगा। एक तो HCF इसका मान लो कि आपके हिसाब से अगर आप ऐसे सोचे तो 2 भी है, क्योंकि 2 सबको काट रहा है, 4 भी काट रहा है, लेकिन परिभाषा क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, बड़ी से बड़ी, काट दोनों रहा है लेकिन बड़ी कौन है ये, तो ये सही है और ये क्या है, गलत है, ठीक। चलिए अब गौर करिए एक बात, जैसे 3, 5 इसका LCM क्या होगा, इसका LCM 15 आएगा, है ना, मतलब 3 और 5 अभाज्य संख्या है ना, 3 और 5 अभाज्य संख्या है और इसका HCF इसका गुणनफल ही आएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या अगर है, सॉरी उनका LCM उसका गुणनफल ही होगा दोस्तों, कि 2 अभाज्य संख्या का जो लसा होगा, ध्यान देना। अब तुम कहोगे सर ये तो विषम संख्या भी है, तो ठीक है 5 भी ले लो और 15 भी ले लो, दोनों विषम है, क्या इनका गुणनफल होगा इसका LCM 75 होगा, नहीं 15 ही हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना वहां, इसलिए आपको ऐसे याद रखना है, विषम संख्या में ना अभाज्य संख्या में लागू होगा, कि 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या का LCM उसका गुणनफल ही होगा, गुणनफल ही होगा, 2 अभाज्य संख्या का LCM क्या होगा, उनका गुणनफल ही होगा, 2 अभाज्य संख्या का LCM क्या होगा, उनका गुणनफल ही होगा, ठीक है ना। 2 या 2 से ज्यादा भी रहेगा तब भी। अब एक बात और देखना दोस्तों, मान लो 6 और 8,
इसका हम आपको दिए एलसीएम बनाने के लिए, तो आप धराक से बना दीजिएगा। छः और आठ का एलसीएम कितना, आठ है बड़ी संख्या, आठ को छः नहीं काटेगा, आठ दूना सोलह न, आठ तीन चौबीस, हाँ चौबीस। अगर आठ के टेबल को तीन बार पढ़ते हैं, माने आठ का पहाड़ा तीन बार, तो आठ तीन चौबीस, चौबीस को छः भी काट देगा और आठ भी काट देगा। और इसी छः और आठ का अगर हम एच सी एफ निकाल दे तो क्या आएगा, छः और आठ का एच सी एफ, देखो एच सी एफ में छः नहीं काटेगा तो इसको तीन दूना छः तोड़ेंगे, तीन काटेगा दोनों को नहीं, दो काट देगा तो एच सी एफ दो आया। दोस्तों 24 है एल सी एम और दो है एच सी एफ, आप अगर 24 को दो से भाग देंगे, मतलब एल सी एम को एच सी एफ से भाग देंगे तो पूरा पूरा काट देगा। इसका यह भी मतलब निकल के आया कि कोई भी संख्या का एल सी एम उस संख्या के एच सी एफ से पूर्णतः कट जाता है। हाँ, ये बात को नोट कर लीजिए कॉपी में कि कोई भी संख्या का एल सी एफ उस संख्या के एच सी एफ से पूर्णतः विभाजित होगा, किसी भी संख्या का लॉस, लॉस मतलब क्या एल सी एम है ना, उस संख्या के एच सी एफ से पूर्णतः विभाजित होगा, किसी भी संख्या का लॉस उस संख्या के एच सी एफ से यानी मॉस से पूर्णतः विभाजित होगा। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। अब कभी कह देगा कि दो संख्या का एच सी एफ आठ है तो निम्न में से कौन उसका लॉस नहीं है, मान लो 24 दे दिया, 60 दे दिया, 48 दे दिया, 32 दे दिया, कह देगा कि दो संख्या का एच सी एफ आठ है तो लॉस कौन नहीं है, लॉस कौन नहीं है। एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा है हाँ कि दो संख्या का मॉस तो आठ है, निम्न में से कौन उसका लॉस नहीं है, जिस संख्या का मॉस आठ रहा होगा ना, आठ उस संख्या के लॉस को काट देगा। इस बात को ध्यान रखना, उस संख्या के लॉस को क्या करेगा, काट देगा। ये आठ उसी को नहीं काटेगा जो लॉस नहीं होगा, तो कौन है ऑप्शन बी, क्या कि साठ नहीं कटेगा आठ से, इसलिए जिस संख्या का मॉस आठ होगा उस संख्या का लॉस साठ नहीं होगा, तो कहता लॉस कौन नहीं है, तो साठ नहीं है, जिस संख्या का मॉस आठ है उस संख्या का लॉस साठ नहीं है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा बात। अब सुन लीजिए, अब रहेगा ऐसे कहीं रहेगा, तीन गुना पाँच गुना सात गुना दो, फिर आगे रहेगा पाँच गुना ग्यारह गुना सात गुना तीन, ठीक है। इनका एलसीएम बताने क्वेश्चन रहेगा कि एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों बात बताना है, क्या क्या बताना है, इसका एलसीएम भी बताना है और इसका एचसीएफ भी बताना है। तो सुनो, एलसीएम और इसे बताने के लिए आपको ऐसा करना होगा कि एलसीएम में सबको लिखिएगा पर दोबारा किसी को नहीं लिखिएगा, एलसीएम में सबको लिखना है लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखना है। तो बताइए, एलसीएम में सबको लिखना है दोबारा किसी को नहीं, तो शुरू करिए तीन गुना पाँच गुना सात गुना दो, पाँच लिखा गया है, ग्यारह नहीं लिखा है तो ग्यारह लिखेंगे, तीन तीन लिखा गया है तो नहीं लिखेंगे, बस हो गया, ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक। और एचसीएफ में उसको लिखते हैं जो कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितना गुणनखंड कॉमन हो जाए उस सबको लिख लीजिए। तो कॉमन क्या होगा, इधर तीन उधर भी तीन, तीन आ गया गुना, इधर पाँच उधर भी पाँच कॉमन आ गया, इधर सात उधर सात ये कॉमन आ गया, इधर है दो उधर ग्यारह नहीं हुआ कॉमन, तो तीन पाँच सात इसका एच सी एफ हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसी सवाल को थोड़ा सा ऐसे भी दिया हुआ रहेगा, कैसे जानते हैं,
इसमें यहाँ पावर चढ़ा देगा सात, मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं दिया, यहाँ 11 और मान लीजिए कि यहाँ 7, यहाँ 3, इस तरीके से रहेगा। अब एलसीएम क्या होगा? तो दोस्तों नियम कहता है वही एलसीएम या एचसीएम। एलसीएम में क्या है कि सबको लिखिए, दोबारा किसी को नहीं, पावर बाद में रखेंगे। 3 × 5 × 7 × 2, इधर वाला सब उतर गया, 3 × 5 = 7 = 2, 5 उतर गया, 11 नहीं उतरा, 11 उतार दिए, 7 उतर गया, 3 उतर गया। अब नियम कहता है कि अगर एलसीएम बनाए हैं और पावर वाला सवाल है तो सबका बड़ा बड़ा पावर चढ़ा दीजिए। 3 का सबसे बड़ा पावर ढूंढिए, वहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ 7 है तो 7 लिखिएगा। 5 का यहाँ कुछ नहीं, 5 का वहाँ 3 है तो 3 लिखिएगा। 7 का यहाँ 11 है, 7 का वहाँ कुछ नहीं है तो 11 लिखिएगा। 2 का यहाँ पावर नहीं है कुछ, इधर 2 है नहीं तो जीव का त्यू रहेगा, 1 है यानी 1 है यहाँ, 11 के पावर 7 है तो 7 दे देंगे। ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ में आपको पता है हम उसी को लिखते हैं जो कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए 3 इधर भी, 3 उधर भी, 5 इधर भी, 5 उधर भी, 7 इधर भी, 7 उधर भी। अब एचसीएफ में दोस्तों, एचसीएफ तो छोटा मान होता है तो छोटका छोटका पावर देना है भाई, छोटका छोटका पावर। तो 3 के सबसे छोटा पावर वहां कुछ नहीं तो यहां कुछ नहीं, 5 के सबसे छोटा पावर यहां कुछ नहीं तो कुछ नहीं, और 7 के यहां सबसे छोटा पावर यहां 11 वहां कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 नहीं भी लिखेंगे। ये हो गया पावर वाला सवाल में भी आंसर यही आ जाता अगर एचसीएफ निकालना होता तो। ठीक है दोस्तों, अब देख लो, अब मान लो कि ऐसे दिया 2 के पावर 7, 2 के पावर 11, 2 के पावर 13, 2 के पावर 19, ठीक ना। इसका हमको एलसीएम और इसका एचसीएफ बताना है, ऐसा रहेगा। तो सब में तो 2 है तो 2 लिख दीजिए, और एलसीएम में बड़ा पावर, एचसीएफ में छोटा पावर। एलसीएम में बड़ा पावर, बड़ा पावर कौन है इसमें, सबसे बड़ा पावर 19, और छोटा पावर कौन है तो छोटा पावर 7 है। छोटा पावर कितना है सबसे, 7। ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। लेकिन लेकिन दोस्तों अगर यही सवाल ऐसा हो कि माइनस हो, माइनस हो, माइनस हो, माइनस हो, तो एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ निकालना हो तो क्या करिएगा। एलसीएम में भी बेस में 2, एचसीएफ में भी 2 आएगा, अब पावर बैठाना है। आपको पता है कि एलसीएम में बड़ा संख्या होता है, एलसीएम में बड़ा पावर, तो बड़ा वही होगा, अगर माइनस में है तो बड़ा वही होगा जो देखने में छोटा है। तो देखने में छोटा है ये वाला, तो ये हो गया सबसे बड़ा, और यहां पावर सबसे छोटा लिखना है तो देखने में बड़ा होगा क्योंकि माइनस में है, तो ये हो गया -19। ये हो गया दोस्तों, समझ गए, ये हो गया इस सवाल का जवाब। अब एक बात याद और रखिएगा, भिन्न का एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन है ना, भिन्न का लघुत्तम और महत्तम। तो दोस्तों इसमें अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर में यानी कि अंश, अंश का एलसीएम निकालिएगा, बट्टा में हर का एचसीएफ निकालिएगा, हर का क्या करिएगा एचसीएफ। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो कि 4/5 आ गया है ना, 6/15 आ गया, 7/25 आ गया, 25 आ गया है ना, अब मान लो ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना है, ये भिन्न वाला है तो आपको अगर एलसीएम बनाना है तो ऊपर वाला का एलसीएम बना दीजिए। आप इसको काट भी सकते हैं, 3 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, कटने वाला है काट दीजिए, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। और अगर एलसीएम बनाना है तो ऊपर वाला का एलसीएम 4 × 2 = 7 का, तो बस 4 × 7 = 28 हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ में 5, 5 और 25 का, यहाँ 15 था कट के 5, 5, 25 का एचसीएफ निकाल दीजिए। मतलब एलसीएम निकालना है तो ऊपरे में एलसीएम, एचसीएफ निकालना रहेगा तो ऊपरे में एचसीएफ। तो ऊपर तो एलसीएम निकाल लिए, नीचे एचसीएफ लिख दीजिए, तो 5 आ जाएगा, 28/5 हो गया। लेकिन अगर इसी का
HCF निकालना होता तो उल्टा काम, जैसे अगर मान लो HCF निकालना है तो जो निकालना है ऊपर में निकलेगा अंश का HCF, नीचे क्या करेंगे हर का LCF, ठीक है। तो ये तरीका लगाना है। और एक फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला है दोस्तों कि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना होता है दूसरी संख्या। बस इतना आप बेसिक में इस चीज़ को याद रखिएगा, फिर देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आता है। जो भी कुछ पढ़ाएंगे बहुत ही आसानी से सारे सवाल समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।